Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarita and Stevie K. Okay, today guys, we are watching Slay Point. Mm-hmm. They are reviews for this weirdest Google reviews. Yeah, they are reviews for this weirdest Google review. Interesting. Patani, par dekhiye. Let's check this one out. One of their latest ones. सस्ते इंटरनेट ने सबको एक नई हॉबी दे दी है, रिव्यू करना. मूवी रिव्यू, टेक रिव्यू, दो कौड़ी का क्रिकेट रिव्यू, बैंगन रिव्यू, मोजा रिव्यू, हार्पिक बनियान, विमल कटोरा, झाड़ू, झंडू बम, जो दिख जाए उसे हम रिव्यू कर देते हैं. और क्या रिव्यू करूं? क्या हो गया? अरे आज तेरी बारी है, तेरा ऐसा रिव्यू करूंगी जिंदगी भर सोचा सिंह करेगा. एक तो हर ऐप सड़ा सा आलू गेम हो या अमेज़न, सबको रेटिंग रिव्यू चाहिए. पहले ऐप रिव्यू करो, उससे प्रोडक्ट लिया तो उसे रिव्यू करो, उसके बाद डिलीवरी वाले को भी रिव्यू. हम तो गरम जो है सबको जज करने बैठे. डिलीवरी वाले के लिए आएगा रेट योर एक्सपीरियंस. बस गेट पे डब्बा रखने में कौन सी महान एक्सपीरियंस देगी, कल तक दिखाई नहीं. फिर ऑनलाइन सब्जी वाले से सब्जी लो नहीं कि फोन पे रिव्यू की भीख शुरू. अगर सब्जी का रिव्यू तो खा के पता चलेगा ना. अभी बस आलू की सूरत पे कितने स्टार दे दूं, फुल भर एसेस लिखो और फिर रिव्यूज, बस यही जिंदगी है. अब तो दुकान वाले बाहर ही लगाने लगे हैं प्लीज रेट अस ऑन गूगल, जिसको लोगों ने काफी सीरियसली ले लिया, कुछ ज्यादा ही. जाके अब पान वालों के रिव्यू में दे रहे हैं. मेरी टट्टी पान हटाओ, ये सब नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए. ये सुनने के लिए लगा था. इन्हें लगा कि फीडबैक मुंह पे देंगे तो पान वाले इनके मुंह पे ही पान थूक देगा, तो इंटरनेट पे आके शिकायत करते हैं. सोल सूदिंग पान, इट्स कड़क पान इज सो कड़क, माय जिया गोस धड़क धड़क. हाय हाय पान रिव्यूज के राजीव मसन, टाइम्स ऑफ पान में कोई आर्टिकल दो भाई को. धड़क धड़क इन लिरिक्स पे तो माधुरी दीक्षित का डांस हो सकता है. कड़क पान इज सो कड़क, माय जिया गोस धड़क धड़क. अच्छा क्या यहाँ लिखा, सामने बोलते तो बाकी सारे कस्टमर भाग जाते कि पान में पक्का ड्रग्स है. नंदू वड़ा पाव के लिए नंदू सबका बंधु और स्ले पॉइंट सबका शक्ति वजनी. अनियन दो अनियन. बड़ा पाव वाले क्या गूगल खोल के बैठते हैं? अरे अनियन नहीं दिए, मांगते कैसे हैं, शर्म आ रही है. ऑर्डर हटाने के लिए फोन निकाल लेता हूँ. हाँ गूगल रिव्यूज पे लिख देता हूँ अनियन दो. पढ़ो अंकल, पढ़ो अंकल. अनियन दीजिए ना. आठ महीनों से भाई साहब अनियन के इंतजार में. बेस्ट वड़ा पाव. ओ भाई ऐसा वड़ा पाव तो कहीं नहीं देखा पहले. और ऑयल कढ़ाई रैपिडली, ही इज स्वेटिंग फ्रॉम हिम फेस एंड मेनी ड्रॉप्स ऑफ स्वेटिंग इज फेलिंग इन द वड़ा कंटेनर. अबे तो मेन इंग्रेडिएंट भी ना डाले फिर बोलोगे पहले वाला स्वाद नहीं. मैं तो बोलता कि थैंक्स भगवान, सिर्फ तेल में ही गिराया और सिर्फ पसीना ही गिरा है. वड़ा पाव ओनली पोटैटो. और होता क्या वड़ा पाव में, आपको सिर्फ आलू पकड़ा के भेज दिया क्या? ब्रेड DIY जाके खुद बना. कुछ लोग फुल शशि थरूर बनके समोसे रिव्यू कर रहे हैं. फूड इज प्रिपेयर्ड एट नाइट यूजिंग हाई क्वालिटी वनस्पति हीटेड टू सीक्रेट टेम्परेचर फॉर एक्स्ट्रा कुरकुरा. ये अंदर के राज आपको कैसे पता? नहीं रात को क्या कर रहे हैं? समोसे ताड़ रहा हूँ. डोंट गो ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स और एल्स द रोटी एंड समोसा विल फॉल ऑन यू. भाई आपका पता नहीं पर अर्थक्वेक के बीच कोई भी समोसा खाने नहीं जा रहा, और समोसा मुंह पे कंक्रीट सीमेंट गिरने से तो बेटर ही है. आजकल कहीं गए तो रिव्यू तो लिखना ही है, चाहे वो देसी बार ही क्यों ना हो. बडुआ प्लेग. बड़वा? बडवाइजर को प्यार से बड़वा कब से बुलाने लगे? बड़े टल्ली करने के लिए सही है, लेकिन लड़की होती तो ज्यादा अच्छा होता. विथ पोल इनका ऑड वाला जी डिलीट कर दो पहले. भाई 35 रुपए की देसी दारू के साथ तुझे पोल पे सिर्फ हैप्पी डेज के लिए जुगनू मिलने हैं, सनी लियोन नहीं. 4 stars चिल्ड रूम. गैस ये कहाँ का रिव्यू है? आगरा सेंट्रल जेल. क्या हमारा फूड चिल्ड नहीं हो पा रहा है? केक. पुलिस स्टेशन. और वेलकम केक भी कटवा रहे क्रिमिनल से. चीफ गेस्ट बाजी चल रही है. 5 stars because I always go here. केक के लालच में लौंडा रोज पुलिस स्टेशन जा रहा है. लोग ऐसे रिव्यू दे रहे हैं जैसे जेल के फ्रीक्वेंट कस्टमर हो. गुड फॉर अ नाइट स्टे, गुड प्लेस टू विजिट वंस. मिलन पुलिस स्टेशन या ओयो रूम नहीं है जो वीकेंड पे परिवार के साथ. रोज डीजे आके माहौल बना रहा ना. बड़ा पाव वालों को एक से एक गाली पड़ रही है और यहाँ जेल के लिए नाइस फूड एंड क्लीन बेडिंग. गॉट अरेस्टेड दे ट्रीटेड मी वेरी वेल. द सेल्स आर आल्सो ग्रेट, वेरी क्लीन, फूड इज वेरी गुड.
तुम नारियल फोड़ के घर ही बसा लो ना, क्योंकि प्रेम पत्र रिव्यू पढ़ के ऐसा लग तो नहीं ना कि कैदी कभी छूटना चाहेंगे। अरे मुझे नहीं जाना बाहर, मैं जेल में ठीक हूँ, प्लीज वापस ले लो। Because the back so I can come back in. Ye lo, main chor. Ye lo mujhe wapas mere chill room. Yes, aaj red velvet cake khayenge. Avoid getting arrested in summer. Achha, to winter mein kare sare crime. No, ekhon. Criminals ko review padh ke to jail chun nahi rahe. Kisar bahar kisi ne best roti likha hai. Ab wahi bandi bana. Service achhi hai. Jail ki review mein ye kya dal diya? और रिव्यूज पढ़ के पता चला कि लोग जो सिर्फ भड़ास निकाल रहे हैं भाई। बीच में है ही नहीं, मुझे जो चाहिए वो चीज पहले ही खत्म हो जाते हैं। बीच में हाथ आना ही नहीं मुझे अब। भाई वो ड्राई फ्रूट बेच रहा है, दिवाली का पासिंग पार्सल, और दो दिन बादाम नहीं खाए तो गजनी नहीं बन जाएगा। गोविंद स्टोर जो कि किराना स्टोर है, वहाँ पे मस्ती स्पॉट है अपने दोस्त लोग का। दाल चावल के बोरियों के साथ क्या कमाल मस्ती होती होगी। यहाँ का दुकानदार इश्क लड़ाता है, सामान देते वक्त चुपके से अपना नंबर भी दे देता है, और रात भर व्हाट्सएप पे बातें करता है। मतलब दुकानदार को मेरे से ज्यादा तरीके आते हैं लड़की पकड़ने के। भाई सामान लेने जाते हो या अंकल का दिल, वो होम डिलीवरी का नंबर दिए होंगे और तुम एंजल प्रिया बन के इश्क लड़ा लिए। लोगों ने शौचालय तक का रिव्यू दे रखा है कि भाई एक बार जरूर जाना। अगली छुट्टियां बच्चों को घुमाइए जेल और सुलभ शौचालय, एक बार वहाँ जरूर मोतिए फुल फैमिली के साथ। यार यू टॉयलेट टू स्लोली। हाँ भाई क्या पता शौचालय में बिताए सुनहरे पल वापस मिले ना मिले। सुलभ शौचालय ना मिलेगी दोबारा, हर पेशाबी सेकंड। लोगों ने ना दिमाग का हलवा बना के गरीबों में बांट दिया है। समुंदर का रिव्यू में लिख दिया वे टू वेट। मेरा IQ गिर रहा है। आपको हेयर ड्रायर से समुंदर सुखा के दे। Not blue enough. उजाला और हार्पिक भी दे, वो भी डाल के आऊं। मुंबई को भी रिव्यू कर सकते हैं, जिसकी रेपुटेशन ऐसी है कि लोग आके बस एक्सपेक्टेड टू सी सलमान, शाहरुख खान आया ही नहीं बाहर। हमें इतने साल मुंबई में रहके खुद कोई नहीं दिखा आज तक। और भाई ताजमहल देश की शान, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट के रिव्यू में लवली गर्ल्स। ये रोमियो वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने की जगह वंडर विमेन देखने गया था। टपक रही है रिव्यूज में से भी। दुनिया ने वंडर मान लिया पर अपने कुछ लोग इम्प्रेस नहीं हुए। 1 star, इट्स सिंपल मार्बल बिल्डिंग, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तुम लोगों को क्या गर्ल विद पोल चाहिए? ओनली द बिल्डिंग इज लोटस शेप्ड, अदरवाइज नथिंग हियर टू सी। तो अंदर क्या लोटस के पकोड़े परोसेंगे? पागल तो नहीं हो गए तुम सब? कलर इज नॉट नाइस, आई प्रेफर ब्लू और ग्रीन। मैडम ये आपके शादी का लहंगा नहीं बन पा रहा। बस पुराने पत्थरों को देखने के लिए इतनी मेहनत, तो इसमें और मीनारों में कोई फर्क नहीं है। ओह माय गॉड, ये 10वें मीनार मैडम, 10वें मीनार, ये मीनार के साथ सेल्फी, बेस्ट। 1 star, नथिंग इज देयर, जस्ट लेक इज देयर। देख के मगरमच्छ घर भेजो इसके। मैं गूगल ही डिलीट कर रहा हूं। नहीं ये क्या मुझसे फैला रखा है। फाइनली स्विट्जरलैंड, बर्फ ही तो है, बीच में भी होती है। ये ले डायमंड रिंग, पत्थर ही तो है, तो यही ले ले और मेरे सर पे मार। आपके लिए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। सीमेंट ही तो है भाई, लोग काम छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। कभी खुश नहीं होगे ना तुम लोग? वीडियोस या मॉन्यूमेंट सब जगह जाके बस मजा नहीं आया। कुछ लोग तो तारीफ करके 1 star दे रहे, भाई क्या कर रहे हो? रिव्यू देने से पहले टाइप करना सीख जाओ पहले। जुहू चौपाटी को जुहू चपाती लिख रहे हैं यार, वो भी बांद्रा फोर्ट के रिव्यू में। भाई अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं और नहीं पढ़ सकता। That was one of my favorites. That was actually quite good. That was really, really good. Where is this gonna go? The way it was made as well, and they were really funny. Yeah, true. And the content. Look for all that like content, like research on all the funniest and things that people write. I mean, I think also because you can relate in the sense that sometimes we see comments. It's like I said, everyone gets reviews and comments and stuff like that. Sometimes people don't even watch videos or do something, but they have to write going something, or they'll turn around and go, I don't like reaction channels. And you just like, or something like that. And you go, what are you doing here? Why did you come onto a reaction channel to write that I don't like reaction channels? So cool. Why don't you go and watch something that you watch? And I always say that, I never watch videos that have no interest in. I know. You know what I mean? I'm not really a car enthusiast. For me, one car is the same as another car. But there's people out there who love cars, the inside, the out, the horsepower, you know, from the tyres to the roof to the colour. And I don't go onto those channels and go, don't like this colour of this car.
Oh god, people have a lot of time on their hands. You know what I mean? Or, you know, and if there's got sad lives. Programs that you don't like, I don't go and watch them. You know, but there's people who would go onto those and go, I have no idea why these people are making videos on dogs, or why these people, like, you know, telling us, doing a vlog about their family and sitting there and talking about their own stuff. Who's interested? And you go, and you've just come on there to, there's a millions of stuff out there, and you've had to come there to write this for somebody. Because, you know, you see them when you're watching something that you're interested in. But, yeah, I can tell with the reviews, people, like, you know, these days, you don't even know which reviews are real, which are fake. Yeah. It just seems like so many people got so much time on their hand to just nothing better to write, and they just got to, like, just put something on just to find some purpose in themselves. That's all it is. But they were funny. They were really, and they slayed, yeah. And well. In one sense, I like the fact that people write all this crap and stuff like that, and they have to, because it just shows... It makes you feel good about your life, because you think if they've got so much time to write all this nonsense, then obviously they're not really happy in their lives. That's right, just and then it gives other people, like Slaypoint content, gives us things to talk about, because you like going, makes us happy. You like going, we're at least doing things that we love, and you know, people who want to watch it, they watch it. But these people just got to get a life, man. Honestly, you know. I never knew you could review like... The no, toilet. Like, what the hell? Like, seriously? You know what I mean? I'm going to review my... people get... Check these next. I'll put them online, guys. And tell I'm you sure what, someone will have something lovely to comment on them. Anyway, guys, you know, review me. Review you. Oh, please don't. You know, stick you on and say, no, guys, no, review, no, please. No. Acha. No. Acha. Stick to much of these. Stick to much of these. God, I can just think of all the things that things that yeah. Yeah. No, okay. Don't. Let's leave that. Anyway, that was the video, guys. As always, make sure you subscribe to our channel if you haven't done so already, and certainly if you're new, you know, let us know your requests, what you want us to watch and make, and you know, hopefully we'll see you on the next one. Take care. See you soon. See you. Bye. Bye.